सुभान अल्लाह, फजर का जो टाइम है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम बारिक फी बुकूरी हाज़िह अल उम्मा। याद रखो नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कभी फजर नहीं छोड़ना जिंदगी में। अगर कामयाबी चाहते हो, इस मस्जिद में मैं गवाह हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन जब से यहां 9 साल मुसलसल मैंने इमामत की है, कुछ लोगों को मैं देखता था, मैं कभी कभी बीमारी से, सुस्ती से, कभी कभी मेरी फजर नहीं होती, मगर वो लगातार रोजाना फजर में आते थे। आज मैं देख रहा हूं वो हमारे बीच में, अल्लाह ने उनको दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ाया है और आखिरत में भी वो बहुत आगे नजर आते हैं, अल्लाह ने नवाजा है उनको, इसी मस्जिद से निकले। मैं तो इसे कहता हूं ये उम्म है, ये मां की तरह है। यहां से कितने मसले लोगों के हल हुए हैं, अल्लाहू अकबर, कितने लोग यहां से अल्लाह ने बढ़ाया है। वो बाहर से, सफर से भी आते, बाहर ममालिक से भी आते, फजर में मैं उनको देखता हूं, सुभान अल्लाह। कभी फजर नहीं छोड़ो मेरे, अगर कामयाबी चाहते हो, इसलिए कि नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के टाइम में बरकत अता फरमा, अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का जो सुबह का टाइम है, अल्लाहुम्मा बारिक फी बुकूरी हाज़िह अल उम्मा, इस उम्मत के सुबह का फजर का जो टाइम होता है, बड़ा अहम टाइम होता है, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं जरूर हर नमाज पढ़ो, पाबंदी करो इस नमाज की इंशाल्लाह। अगर रिस्क नहीं मिल रहा है, परेशानी है, तो समझ लो मेरी नमाजों में कहीं खलल है, मेरी तहज्जुद में कहीं खलल है, इसीलिए ये चीजें गड़बड़ा रही हैं। बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, आप भी इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करें और अल्लाह से रिस्क तलाश करें, देखें कहां मेरे से गलती हो रही है।